हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे, पार्ट 16 राजघाट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर इनके बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिए गए चित्र को पहचानना है और इनके बारे में 3 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। यह चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से बापू या महात्मा जी कहकर पुकारते हैं। महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में सही शब्द को भरना है। पहला, महात्मा गांधी - कहलाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रपिता। दूसरा, महात्मा गांधी का पूरा नाम - है, तो यहाँ लिखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा, देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने - का रास्ता अपनाया, तो यहाँ लिखेंगे सत्य और अहिंसा। चौथा, गांधी जी की समाधि - पर स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे राजघाट। पाँचवा, राजघाट - नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। क प्रश्न, राजघाट पर प्रार्थना सभा कब होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजघाट पर हर शुक्रवार की सुबह प्रार्थना सभा होती है। ख, राजघाट के पास स्थित संग्रहालय का क्या नाम है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजघाट के पास स्थित संग्रहालय का नाम राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है। ग, राजघाट पर स्थित संग्रहालय में गांधी जी से संबंधित क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, राजघाट पर स्थित संग्रहालय में गांधी जी से संबंधित उनके चित्र, कपड़े, सामान जैसे चरखा, चप्पल, घड़ी, कलम आदि देखे जा सकते हैं। घ प्रश्न, गांधी जी को लोग प्यार से क्या कहते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांधी जी को लोग प्यार से बापू या महात्मा जी कहकर पुकारते थे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।